Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be talking about do while loop, and this is the 14th lecture. Make sure that you have seen the previous 13 lectures. Now let's start with the do while loop. Do while loop की जो definition होगी वो same to same होगी जो कि मैंने आपको while loop में लिखवा लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मैंने आपको looping statements में starting में लिखवाई है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ. It is used to execute a single or a block of statements n times. मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे जो मैंने ये n times लिखा है ये बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि अगर आप n times नहीं लिखते हो तो looping की definition ही नहीं बनती है till the condition is true. अगर आपको याद हो तो while loop को हम बोलते थे प्री टेस्टेड लूप, इसी तरह से do while को भी हम कुछ बोलते हैं, एंड दैट इज इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. इसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप क्यों बोलते हैं और उसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्यों बोलते थे, उसको मीन्स while loop को, तो उसका मैं आपको समझा देती हूँ थ्रू द सिंटैक्स. सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखते हो डू, एंड देन आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको डिफाइन करते हो, आपके जो भी स्टेटमेंट्स है आप इसको अंदर लिखते हो. जैसे ही आपका ब्लॉक ऑफ कोड एंड होता है आप बाहर लिख रहे होते हो वाइल, एंड इसके अंदर आप क्या लिखते हो, कंडीशन लिखते हो, एंड इसके बाद आप लगाते हो सेमी कलन. मेक श्योर कि हम तीन तरीके के लूप्स पढ़ेंगे. कितने तरीके के पढ़ेंगे? थ्री टाइप्स के पढ़ेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप. वाइल लूप में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, डू वाइल लूप हम कवर कर रहे हैं एंड फॉर लूप हम कवर करेंगे. तीनों में से सिर्फ डू वाइल लूप ही एक ऐसा लूप है जिसके अंदर हम कंडीशन के बाद एक सेमी कलन को लगा रहे होते हैं, बाकी किसी भी लूप में हम ऐसा नहीं करते. अब एक वाइवा का क्वेश्चन बनता है. वाइवा का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है, दैट मींस मुझे जितने भी मेरे ब्लॉक ऑफ कोड में स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे मुझे एक ना एक बार तो प्रिंट करानी ही है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, एक ना एक बार तो मेरा लूप चलना ही चाहिए. तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डू वाइल लूप को प्रिफर करते हैं. डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी बहुत बार एग्जामिनर पूछता है आपसे, सो आई थिंक कि आप आंसर कर पाओगे. इसमें क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्योंकि कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो आप सीधे के सीधे इसके अंदर चले जाते हो. यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है आप उनको एग्जीक्यूट करते हो एंड बाहर आ जाते हो. अब अगर आपको सेकेंड टाइम लूप को एग्जीक्यूट कराना है, दैट इज अगर आपको सेकेंड टाइम जो भी इसके स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो गई. अगर कंडीशन आपकी हो गई ट्रू तब तो ये वापस से जाके वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इफ योर कंडीशन इज फॉल्स तो फिर ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और ये इसके आगे बढ़ जाएगा. इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी होती है. एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट. सेम टू सेम प्रोग्राम मैंने आपको वाइल लूप से भी करके दिखाया था, एंड सेम टू सेम प्रोग्राम मैं आपको डू वाइल से करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिफरेंस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का ही है. आप लॉजिक आपका सेम रहेगा बिल्कुल, कंडीशन जो आप लगा रहे हो वो भी सेम रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो भी सेम रहता है, बस आप किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हो वो भी सेम ही रहेगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आप तब लगाओगे इफ यू आर यूजिंग टर्बो सी. इसके बाद आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. मेक श्योर कि सब कुछ लोअर केस में हम लिख रहे हैं, अपर केस में हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. एंड देन आप लिखते हो इंट मेन, इंट मेन के बाद आप एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हो, एंड इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट आई को मैंने बनाया, आप चाहो तो इसको यहाँ पे बनाकर ही यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन में जा रही हूँ. आई इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन.
जहां भी जरूरत पड़े एग्जाम्स में, तो खासकर जहां भी आप यूज कर सकते हो, कमेंट्स जरूर यूज करा करो. ये दिखाता है दैट आपको सच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्राम की या फिर नहीं है, या फिर आप सिर्फ मगअप कर कर आ गए हो और आपने जाकर लिख दिया है. अगर आप कमेंट्स लिखते हो तो ये टीचर एग्जामिनर को बताता है दैट यस यू आर हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, यू नो दैट विच स्टेप डिनोट्स व्हाट. सबसे पहले हमने किया इनिशियलाइजेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे डू. फॉलो द सिंटैक्स, बिल्कुल सिंटैक्स को ही मैं फॉलो करती हुई चल रही हूँ. मैं इसके अंदर अपने क्या करूंगी, स्टेटमेंट्स प्रिंट कराऊंगी. अगर मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, सी आउट आई, एंड यहाँ पे आप तो एंडल भी लिख सकते हो. अगर आप एंडल लिखते हो तो डबल कोट्स आप इंक्लूड नहीं करते हो. अगर आप ब्लैक स्लैश सॉरी बैक स्लैश एन यूज करते हो तो आप डबल कोट्स को इंक्लूड करते हो. एंड उसके बाद मैं लिखूंगी आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है. दैट मीन्स मुझे हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं 10th तक पहुंचूंगी. देन मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देती हूँ. एंड यहाँ पे ही मैं लिखूंगी वाइल, मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है. एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कंडीशन. कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, डोंट फॉरगेट टू राइट द सेमी कलन ओवर हेयर. तो यहाँ पे एंड देन इसके बाद आप सिंपली लिखते हो रिटर्न 0, एंड यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है. अब इस प्रोग्राम का ड्राई रन भी देख लेते हैं एंड आउटपुट क्या आएगा वो भी देखते हैं. जस्ट अ मिनट. या तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ ड्राई रन, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट. इनिशियलाइजेशन करा, आई इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हमने आई की वैल्यू क्या है, 1 है. डू कुछ भी नहीं है इसके अंदर हम गए, बिकॉज यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, प्रिंट होके आई की वैल्यू क्या है, 1 है. तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 1. यहाँ पे हुआ अब इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस दैट इज 1 से बढ़ के वैल्यू हुई आपकी 2. अब आई के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 2 स्टोर हो चुका है. अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई क्या, 1 क्या, जब आई की वैल्यू 1 थी तब कंडीशन चेक हुई. अगर ये आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जब तक आई कंडीशन तक पहुंचेगा तब तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी या फिर उसका डिक्रीमेंट हो चुका होगा. जिस भी वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर रहे हो उसी वैल्यू से कंडीशन चेक नहीं होगी, आइदर उसका इंक्रीमेंट हो चुका होगा और उसका डिक्रीमेंट हो चुका होगा. यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है आपकी 2, ये वापस से अंदर जाएगा बिकॉज कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, 2 इज लेसर देन 10. कंडीशन ट्रू हो गई, ये वापस से अंदर जाएगा, वापस से आई की वैल्यू दैट इज 2 प्रिंट हो जाएगी. आई की वैल्यू 2 से बढ़ के इसकी वैल्यू हो गई 3. अगेन आपकी कंडीशन चेक हुई दैट इज 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू. वापस से हम अंदर गए, वापस से आई की वैल्यू प्रिंट हो गई. कुछ इस तरीके से आपकी पूरी 9 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई. लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया. अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 9 to 10. 10 इज लेस देन 10 नहीं, बट 10 इज इक्वल टू 10, राइट. तो कंडीशन आपकी हो गई ट्रू. तो हम वापस से अंदर गए, वापस से यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 10. अब वापस से 10 का इंक्रीमेंट होकर ये हो गई 11. बाहर आए, कंडीशन चेक हुई क्या इस बार कंडीशन ट्रू होगी दैट 11 इज ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू 10. सो द कंडीशन ओवर हियर टर्न्स आउट टू बी फॉल्स. तो हम क्या होते हैं, इस लूप से हम पूरे बाहर आ जाते हैं, रिटर्न 0 हो जाते हैं एंड द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम, एक सेकेंड प्रोग्राम भी मैं आपको करवा देती हूँ. सेकेंड प्रोग्राम में आप क्या कर रहे होंगे, बेसिकली कुछ भी नहीं करना है आपको, 10 to 1 प्रिंट करना है. 10 to 1 भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाई देती हूँ एंड देन आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगी, यहाँ पे जो लॉजिक में चेंज है मैं सिर्फ वही लिखूंगी. यहाँ पे जो स्टार्टिंग दैट इज इनिशियलाइजिंग पॉइंट है दैट इज 10. तो मतलब मुझे अपना आई जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो मुझे किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 10 से स्टार्ट करके मुझे जाना है 1 तक. दैट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा डू. यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सी आउट आई की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊंगी.
वेट अ मिनट, ये फॉरवर्ड स्लैश आ गया इधर। आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी, यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा क्योंकि मुझे 10 से 1 तक जाना है। दैट मीन्स कि मुझे हर एक स्टेप पे डिक्रीमेंट करना होगा ताकि मैं एट लास्ट 1 पे पहुंच जाऊं। तो ये करा मैंने, एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, वाइल, एंड जो भी हमारी कंडीशन है दैट इज आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इसलिए लगाया है बिकॉज यहाँ पे जो आई की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 10। अगर मैं चाहती हूँ कि 1 भी प्रिंट होना चाहिए तो मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, एंड इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मैं आपको ड्राई रन भी समझा देती हूँ। चलो, तो ड्राई रन में सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई आपकी 10, कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हुआ आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस से 10 की वैल्यू माइनस माइनस हो गई होगी 9। कंडीशन चेक हुई यहाँ पे, दैट इज 9 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। तो हम वापस से अंदर गए, वापस से आई की वैल्यू प्रिंट होगा 9 हुई। अब ये 9 से डिक्रीमेंट हुआ टू 8, अगेन कंडीशन चेक हुई दैट इज 8 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। हम वापस से लूप के अंदर आए, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई एंड दैट इज 8, 8 प्रिंट होकर यहाँ पर आ गया। अगेन डिक्रीमेंट हुआ 8 to 7, ऐसे करते करते आपकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 3, 2 तक आपकी वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 एंड 3 to 2, 2 आपका प्रिंट हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू माइनस होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन ट्रू चेक हुई, दैट इज 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस से डिक्रीमेंट होगा क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा लूप तो हमको चलाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होके आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कंडीशन चेक हुई, दैट इज 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ एंड ये आपकी पूरी रिवर्स प्रिंटिंग यहाँ पे आ चुकी है। नाउ आई गिव यू 1 और 2 होमवर्क क्वेश्चंस जो कि काफी ज्यादा इजी हैं, डिफिकल्ट नहीं है। सो वेट अ मिनट, ओके। क्वेश्चन 1 में आपको दूंगी दैट यू हैव टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नंबर्स, वेयर n यू हैव टू टेक फ्रॉम द यूजर। यूजर एंटर करेगा कि उनको कहाँ तक प्रिंट करना है एंड देन वहां तक आपका जो प्रोग्राम है वो प्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने लिखा 15 तक प्रिंट करो, तो आपका जो भी लूप है वो 15 टाइम्स रन होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। अगर आपको व्हाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो उसको भी आप डू व्हाइल लूप में इंप्लीमेंट करके कर लोगे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेकेंड क्वेश्चन आप करो अल्फाबेट प्रिंटिंग का, जो कि आपने सेम टू सेम व्हाइल लूप में करा था। अल्फाबेट प्रिंटिंग आपको करनी है बट यहाँ पे आपको A to Z नहीं करनी है, यहाँ पे आपको करनी है Z to A। चलो इस बार स्मॉल कर दो, लास्ट टाइम आपने लार्ज और अपर केस करा था, इस बार आप स्मॉलर केस को प्रिंट कराओगे। कॉन्सेप्ट सेम ही है बिल्कुल, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, या द थर्ड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और टेबल। आप कोई भी नंबर की टेबल को प्रिंट करवा सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली यूजर से आपको एक नंबर को इनपुट लेना है एंड देन यू हैव टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। In the next video, we will be starting with the for loop, and I have already told you about the question series. So Sunday and Monday को हमारा lecture आता है, so
संडे को तो जो अभी हम रेगुलर कर रहे हैं वही आएगा, एंड मंडे से क्वेश्चन सीरीज आएंगी आपके पास, जिसके अंदर पर वीडियो हम एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए या फिर एंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।